शानदार लग रहे हैं आका। जानता हूं पिताजी, मैंने मीनार को देखा, अच्छा है। आप ही के लिए बनवाया है। अगर ये और ऊंचा होता तो मेरे रास्ते में अड़ता। अपनी नजरें अपनी कश्ती से हटाइए और देखिए जो मैंने किया है, जो ओसायरस नहीं कर सका। मैं सारे जीवों का राजा हूं, राजा नहीं महाराजा हूं। इस वक्त तुमसे शक्तिशाली और कोई नहीं। तो इज्जत अफजाई कीजिए जैसे मैं आपकी करता हूं। अगर तुम्हें इज्जत की जरा भी परवाह होती तो तुमने अपने भाई का कत्ल न किया होता। तो धरती की हर चीज के बारे में आपको पता है, तो फिर बताइए पिताजी, जो होता है उससे आपको फर्क पड़ता है? जितना तुम समझते हो उससे कहीं ज्यादा। तो फिर क्यों मुझे अलग करके तपती रेत पर आपने चलने के लिए भेज दिया, जबकि मेरा भाई नील नदी के किनारे आराम से जिंदगी बिता रहा था? आपने ओसायरस को राजा क्यों बनाया और क्यों उसे एक बेटा दिया, लेकिन मुझे पिता बनने की खुशी से महरूम कर दिया? ये तुम्हारा इम्तिहान था। उसका इम्तिहान नहीं लिया। मैंने ओसायरस को मिस्र का राजा बनाया और जब वक्त आया तो वो सिंहासन से चिपका नहीं, उसने मर्जी से दे दिया और इम्तिहान में कामयाब हुआ। और मेरे ख्याल से मैं भी कामयाब हुआ। अभी तक नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी जगह लो। यहां तुम्हारा इम्तिहान इसी तरह पूरा होगा बेटे, इससे बड़ी कोई जिम्मेदारी नहीं, पर इससे बड़ा कोई सम्मान भी नहीं। तुम्हारी सारी गलतियां माफ की जा सकती है। तो फिर तुम क्या चाहते हो? अमर जीवन। अमर जीवन हम सबको मिलेगा पुनर्जन्म में। मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूं हमेशा। मैं हुकूमत करना चाहता हूं उन रियासतों पर जिन्हें मैंने जीता है, और यही मेरा इनाम होना चाहिए। कैसे? उसे हासिल करने के तरीके की कल्पना भी नहीं कर सकते। उसके लिए तुम्हें निगलना पड़ेगा खुद पुनर्जन्म को। तुम दुनिया को अंधकार में धकेल दोगे। तुम क्या सब कुछ तबाह कर दोगे? तबाह नहीं, मैं आपकी जगह लूंगा, पर वो जगह कोई सड़ी हुई किश्ती नहीं होगी। कोई भी देवता इससे नहीं बच सकता। मैं सिर्फ एक देवता नहीं।